अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने ये केक बनाया, इसकी आपको रेसिपी सेंड कर रेसिपी बताती हूँ कि कैसे बनाया है। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है, उसको प्रीहट होने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। हमें ये मिक्सचर तैयार होने मिलेंगे। ये इन्ग्रीडियंट चाहिए हमें, सबसे पहले 2 कप मैदा, 1 कप शुगर, 1 कप ऑयल, 2 अंडे चाहिए, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, 4 टीस्पून कोको पाउडर और 1 कप मिल्क और 1 बाउल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, और 1 आटा। चले जी, सबसे पहले मैदा ऐड करते हैं 2 कप, 1 कप ये मैदा, 1 कप ये। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और उसके बाद ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और ये 4 टेबल स्पून कोको पाउडर, ये सारा ऐड कर दें। उसके बाद शुगर ऐड करते हैं 1 कप शुगर। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं, अब इनको सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स करके, फिर बाद में लिक्विड वाले डालने हैं। कोको पाउडर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 4 टेबल स्पून डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद चॉकलेट है तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। चलो ये सारा मिक्स हो गया, मुझे लग रहा है हमारा बर्तन छोटा है तो हम ये बर्तन चेंज कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं अच्छी तरह से, इतना मिक्स हो जाएगा। अब इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले दूध ऐड करते हैं 1 कप और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। दूध ऐड हो गया और उसके बाद 1 कप ऑयल, घी भी डाल सकते हैं आप, मक्खन भी। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह सही रहे, इसको मिक्स कर देना ताकि कोई बीच में वो ना रहे टूटी छुट्टी। अब यहाँ से ये मिक्स कर रहे हैं सारा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये मिक्स हो रहा है, मैं बताती हूँ आपको आगे आपके लिए क्या करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स 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 अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना सारा, मिक्स हो जो मिक्स, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें अंडे जो डाल दिए हैं, वो वीडियो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, उसे इतना बनी नहीं। 2 अंडे इसमें डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, वो आप डाल लीजिएगा। अंडे डाल के फिर इसको 5 से तकरीबन 5 मिनट तक मिक्स करते रहना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इस तरह का वो पेस्ट बन जाए। मतलब ये देखिए इस तरह कंसिस्टेंसी आ जाए, ये हो गया मिक्स। अब ये लिया पैन और इसको ग्रीस कर लिया पहले ऑयल से, और इसके साथ ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके ऐसे इसको कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे बना लिया। अब इसके अंदर ये सारा डाल देना है मिक्सचर, अच्छी तरह सारा बर्तन साफ कर लेना है स्पून के साथ, अच्छी तरह साफ कर लिया और ये हो रहा है। अब इसको अच्छी तरह टैप टैप करना है ताकि बबल सारे खत्म हो जाए, ये टैप हो रहा है टैप टैप टैप। अब इसको प्री हीट पतीले में इसको रख देना है, ये प्री हीट पतीले में इजीली रख देना इसको। चलो अब ढक्कन दे देना ऊपर, और ऊपर आप रुमाल भी दे सकते हैं ताकि जी। अब 40 मिनट्स हो चुके हैं तो अब हम चेक करते हैं हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं हुआ। वाओ, ओ क्रैक्स आ गए, ये देखिए बिल्कुल साफ स्पून निकला है। अब हम इसको निकालते हैं बाहर, क्रैक्स मुझे लगता है हमने ना पतीला ज़्यादा जल्दी प्रीहीट ज़्यादा कर लिया था इसलिए आ गए क्रैक्स। तो आप ज़रा 10 मिनट तक बस पतीला प्रीहीट करना,
चलो जी, हमने ये पतीले से निकाल लिया है, तो ये अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये क्रैक्स को हम डेकोरेशन से कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे पक चुका है हमारा, साइडों से इसे सारा छोड़ दिया है बर्तन को, ठीक है। अब मैं इसको ठंडा, थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फिर इसको निकालती हूँ और उसके अंदर हम चॉकलेट सॉस तैयार कर देते हैं। चलिए, चॉकलेट सॉस तैयार करने के लिए हमें 2 टेबल स्पून चीनी चाहिए और 2 टेबल स्पून ही कोको पाउडर और 1/3 कप पानी चाहिए। चलिए जी, अब हम ये चॉकलेट सॉस तैयार करते हैं। आइए, एक पैन लेते हैं, चलो जी एक पैन लेते हैं, एक पैन लेते हैं और उसमें 1/4 कप नीचे आँच हल्की सी चला ली है और 1/4 कप पानी डाल देना है, 1/3 सच। टू टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। इतना मिक्स करना है कि चीनी अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए इसमें पानी में। चलें जी, चीनी हमारी डिजॉल्व हो गई है, चीनी थोड़ी सी कम लगी थी मुझे, मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड कर लिया, तो ये इस तरह में मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, निकल गया। टीस्पून कर लें, 2 टीस्पून तकरीबन ऐड किया, हाफ हाफ मैंने ऐड कर लिया है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इस तरह का पेस्ट बन गया। थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं हल्की आँच पर ताकि चॉकलेट गल ना जाए। इस तरह का सॉस तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा होगा तो फिर केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर हमारा केक भी ठंडा हो रहा है। चलिए जी, हमारा केक अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं ताकि जरा लुक इसकी चेंज हो जाए। सबसे पहले जो सीरम बनाया था चॉकलेट सीरम, ये इसके ऊपर पहले लगाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, ये मैं लगा लूँ ना, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छी तरह सारे ऊपर मैरिनेशन कर लेंगे, इसकी मैरिनेशन कह रही हूँ, ऊपर लगा देना। चलें जी, अभी चॉकलेट सॉस लग गया ऊपर, तो अब हम इसके ऊपर बंटी से डेकोरेशन करते हैं थोड़ी सी। ऐसे साइड साइड पर लगा लेती हूँ, चाहे एक कलर की लगा लें चाहे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लगा लें। चाहे नजर ही ना आए ब्राउन कलर की, चले आएगी, आ रही नजर। ये सारी ऐसे लगा लेती, ये सारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ब्लू लगा देते हैं, ठीक है। अब इस रूप में भी लगा लेते हैं, क्रॉस बना लेते हैं। चलो ये हो गई है कंप्लीट। अब उसके बाद ये बिस्किट से डेकोरेशन कर लेते हैं। चॉकलेट चिप लगा लेते हैं, ये इसके ऊपर स्टिक्स लगा लेते हैं, चाहे इसको तोड़ ले चाहे ऐसे ही रख ले। ले जी, हमारी डेकोरेशन भी तैयार हो गई है, किस कदर खूबसूरत डेकोरेशन से हो गया। चलो जी, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।